अगली खबर इंदौर से है, जहां एक सैलून संचालक ने सूदखोरों से परेशान होकर बुधवार को जहर खाकर जान दे दी। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 5 लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। सैलून संचालक दामोदर परमार ने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं बहुत परेशान था और मेरा मानसिक संतुलन खराब कर दिया है इन लोगों ने, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सॉरी पापा, नानी और मोना, अंकुश अपना ख्याल रखना, तेरी माँ को भी यह सूदखोर परेशान कर रहे थे। छोटू शुक्ला, संजय जैन, गोलू कुशवाहा, मनीषपुरी गोस्वामी, अरिहंत नगर पान की गुमटी वाला सुरेश सेन, इनको सजा मिलनी चाहिए। टीआई रमेश चंद्र भास्करे के मुताबिक अरिहंत नगर निवासी दामोदर उम्र 38 वर्ष ने बुधवार दोपहर अपने घर में ही जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर अरबिंदो अस्पताल पहुंचे। दामोदर की उपचार के दौरान अस्पताल में बुधवार देर शाम मौत हो गई। पुलिस को दामोदर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने 5 लोगों से कर्ज लेने की बात कही है। लिखा है कि सभी सूदखोर उसे परेशान कर रहे थे, इसी बात से तंग आकर वह अपनी जान दे रहा है। पुलिस ने मामले में सुसाइड नोट जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दामोदर के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका, 2 बेटी और 1 बेटा है। परिवार के अन्य सदस्य भी घर के आसपास ही रहते हैं। दामोदर ने पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था। कुछ इनका कर्जा था, 10-15% का ब्याज का लेन देन का मामला था। काफी पैसा दे चुके थे, फिर भी ये इन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इनके पीछे 2 बच्चियां है, 1 बेटा है, इनको छोड़ के चले गए। हमारे बड़े भाई थे मेरे। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।